चलिए दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से कोई नई वीडियो एक और नए प्रोडक्ट के ऊपर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रोडक्ट होने वाला है वो एक स्पीकर होने वाला है। इससे पहले मैंने बहुत सारे स्पीकर्स की अनबॉक्सिंग कर रखी है जिसको पर आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया दोस्तों। उन सभी वीडियोज़ के अंदर दोस्तों एक और वीडियो आती है जिसके ऊपर आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला रिस्पॉन्स दिया गया, वो है हमारे AW6 की वीडियो जिसके ऊपर आपने 15K+ से भी ज़्यादा व्यूज़ अभी तक करा दिए हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा माइलस्टोन है जो कि आप लोगों ने पूरा करा दिया है। सो दोस्तों, आज की स्पीकर की बात करें तो यहां पर दोस्तों ये उसका बॉक्स होने वाला है जिसका नाम होने वाला है YCOM X45। सो दोस्तों, आप बोल सकते हैं कि इसी का ही AW6 का ही बड़ा वर्जन है, यानी प्रो वर्जन होने वाला है, जिसके अलावा इसके अंदर बहुत ही ज्यादा एडवांस फ्यूचर मिलने वाले हैं हमारे AW6 के मुकाबले। सो दोस्तों, इसके स्पीकर की बात करें तो 5W का स्पीकर होने वाला है, एंड गाइस बेस वगैरह सब कुछ होने वाला है। उसी के साथ एक और फ्यूचर इसके अंदर आता है जो कि पूरी तरीके से मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखा दिया है, टेस्ट भी किए हैं, बेस टेस्ट किया है, वाटर टेस्ट किया है, एंड गाइस साउंड टेस्ट भी किया है। उसी के साथ दोस्तों, इसके गिव अवे की बात करें तो गिव अवे गाइस कुछ इस टाइप से होगा जैसे कि हर वीडियो के अंदर हमारा होता है। आपको 500 लाइक कराने इसी वीडियो के ऊपर, एंड गाइस वीडियो के नीचे कमेंट करना, जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा वही इस स्पीकर का विनर होगा। सो गाइस जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, एंड गाइस उसी के साथ अगर पहली बार हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। सो दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है जैद और आप देख रहे हैं ZTech, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है YCOM X45 स्पीकर का बॉक्स, यानी हमारे AW6 प्रो स्पीकर का बॉक्स। गाइस बॉक्स काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, यहाँ पर वायरलेस स्पीकर नोट किया गया है, रेडियो TF कार्ड USB वायरलेस ऑक्स से भी ऑपरेट होता है, गाइस जोक लाइट जो कि मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखा दी है। गाइस अदर साइड की बात करें तो यहाँ पर भी नोट किया गया है फ्लैश लाइट स्पीकर, वायरलेस स्पीकर। बॉक्स पूरी तरीके से येलो कलर का काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है दोस्तों। एंड गाइस कलर की बात करें तो 5 कलर अवेलेबल हैं इसके अंदर, एंड गाइस रेड वाला मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। तो गाइस अदर साइड की बात करें तो यहाँ पर इसके कुछ यूजेस लिखे गए हैं, यहाँ पर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी नोट की गई है जैसे कि 1200mAh की बैटरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 1200mAh की बैटरी मिलने वाली है जो आपको 6-7 घंटे का प्लेबैक टाइम देने वाली है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बॉक्स कर लेते हैं। ओपन बॉक्स वैसा ही है जैसा हमारा AW6 का था, उसी तरीके से ओपन होता है, एंड गाइस उसी टाइप की इसकी क्वालिटी है। तो गाइस बॉक्स ओपन करते हैं, साथ ही हमारा मेन स्पीकर ऊपर की तरफ रखा हुआ है, रेड कलर का वेरिएंट जैसे कि आपको मैंने बताया है। एसेसरीज की बात करें दोस्तों, एक नॉर्मल सी डाटा केबल मिल जाती है Micro to USB जिससे आप इसको इजीली चार्ज कर सकते हैं। एंड गाइस यहां पर हमारा मेन स्पीकर मिल जाता है पॉलीथीन में पैक हुआ हुआ। सो गाइस अभी मैं बॉक्स वगैरह को फिलहाल साइड में रख देता हूं और बात कर लेते हैं हमारे मेन स्पीकर के बारे में। तो दोस्तों, ये है हमारा मेन स्पीकर। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, लाइट वेट है, एंड गाइस ऊपर की तरफ यहाँ पे आयरन मैश यानी जाली का यूज़ किया गया है जैसा हमारा AW6 में यूज़ किया गया है, एंड यहाँ पर YCOM का स्टिकर लगा हुआ है जैसा हमारा AW6 में लगा हुआ है। सो दोस्तों, मैं इजीली यहाँ पर कंपेयर भी कर रहा हूँ दोनों को, तो आप देख लेना कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, यहाँ पर गाइस रबराइज प्लास्टिक है, प्लस माइनस बटन है, मोड वगैरह के बटन सब कुछ दे रखे हैं। बैक साइड की बात करें दोस्तों, ऑन ऑफ बटन है, यहाँ पर चार्जिंग के लिए है, USB है, NTF कार्ड के लिए ऑप्शन दे रखा है। गाइस यहां पर एक स्टिकर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि इसके अंदर आपको 3 मंथ की वारंटी भी मिलने वाली है जो कि आपको AW6 के साथ नहीं मिली थी। ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है दोस्तों, इसके साथ आपको 3 मंथ की वारंटी मिलने वाली है। और गाइस आप इसको बाय करेंगे तो वारंटी कार्ड इसके साथ मिलेगा। साइड की बात करें तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक बेस रेडिएटर देखने को मिल जाएगा जो कि रबड़ और स्टील से बनाया गया है। एंड गाइस अदर साइड में एक फोकस LED देखने के लिए मिल जाती है जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा काम करने वाली, इस बटन से ऑपरेट भी होती है। नीचे की तरफ दोस्तों, एक आपको यहाँ पे रबर मिलने वाली है जिसे ज़्यादा किसी सरफेस पे फिस लेना। ओवरऑल दोस्तों, इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, बेस भी ठीक ठाक है, एंड गाइस पॉलीकार्बोनेट से पूरी तरीके से बना हुआ है। सो गाइस अब इसका जल्दी से साउंड टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम करने वाले हैं इसका साउंड टेस्ट। यहाँ पर जितने भी मैं आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाऊंगा सभी माइक के थ्रू करके दिखाऊंगा, तो गाइस इसका एक्चुअल साउंड काफ़ी ज़्यादा सही है। आप ये वाले साउंड से कंपेयर मत करना, अगर आपके पास कोई हेडफोन वगैरह है तो उसे लगा लीजिए। तो मैंने इसको दोस्तों ऑन कर लिया है, तो यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक हो रही है, आप देख ही पा रहे होंगे, एंड गाइस ये ओपन हो चुका है और ब्लूटूथ मोड भी इसका ओपन हो चुका है। तो जल्दी से मैं इसको ब्लूटूथ से अपने पेयर कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर YCOM X45 आ चुका है और मैंने इसको कनेक्ट भी कर लिया है। तो गाइस अब बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी सॉन्ग मैं आपको चला के दिखाऊंगा सभी के सभी नॉन कॉपीराइट होंगे, ठीक है, और थोड़े बहुत इसमें मैंने वैसे भी लिए हैं जिनको नॉन को NCS बोलते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने NCS सॉन्ग प्ले कर लिया है। तो गाइस सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम फुल कर लेता हूँ जिससे मैं बीच में बोल नहीं पाऊँगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम फुल कर लिया है, एंड गाइस ये सॉन्ग प्ले हो गया।
गाइस बेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है। पहले आप साउंड का मज़ा लीजिए। सो दोस्तों अब मैं यहाँ पे एक और सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ, ये भी अच्छी सॉन्ग है। गाइस साउंड जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, गाइस अमेजिंग साउंड है एकदम। तो दोस्तों आप लोगों ने साउंड टेस्ट तो देख लिया, अब हम इसका बेस टेस्ट करने वाले हैं कि यहाँ पर मैं बोतल का कैप और कार्ड रीडर ले आया हूँ एंड इसके हम बेस रेगुलेटर पर रखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले कर दिया, ये एक रिंगटोन है, ये देखिए वो है, ओह माय गॉड। इस बोतल के कैप को पलट के रखते हैं एक मिनट। गाइस वो जो बेस है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, देखिए। अब ये नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करेंगे। गाइस बेस यहाँ पर आप देखिए, ओफ भाई वाइब्रेशन के साथ आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बेस है। सो दोस्तों आप लोगों ने अब बेस टेस्ट देख लिया, अब करेंगे हम वाटर टेस्ट। इसके बेस रेडिएटर पे पूरी तरीके से पानी भर देंगे और देखते हैं कि पानी के साथ ये बेस रेडिएटर किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पानी डाल देता हूँ इसके बेस रेडिएटर के ऊपर। तो ये मैंने इसके बेस के ऊपर पानी डाल दिया है। यहाँ पर एक बेस वाला ही सॉन्ग प्ले कर लेते हैं, ओह ये थोड़ा मोबाइल साइड में कर लेते हैं। देखिए एक देहाती सॉन्ग है जो कि डीजे में मैंने इसको लगाया हुआ है और बेस वो पानी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है देखिए, वैसे ही कर रहा जैसे AW6 में हमने आपको करके दिखाया था, उसी तरीके का यहाँ पर रिएक्शन इसके साथ हो रहा है। थोड़ा और पानी डाल देता हूँ क्योंकि पानी खत्म हो चुका है इसके ऊपर। सो दोस्तों यहाँ पर मैं पूरी तरीके से पानी खत्म हो चुका है एंड गाइज मैं दोबारा से इसके ऊपर पानी डाल रहा हूँ और एक और नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करेंगे। तो ये मैंने दूसरा सॉन्ग प्ले कर दिया, ये बेस वाला तारों के शहर में। ये सभी नॉन कॉपीराइट सॉन्ग है दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये यहाँ पर मैंने सबसे तगड़ा वाला बेस का जो है ये आप देखिए सॉन्ग प्ले किया है, लेकिन इस पे जो है इतना कुछ खास नहीं आ रहा। एंड ये देखिए वो, अब गाइस फाइनली ये बेस वाला सॉन्ग प्ले करते हैं जो कि हमने पिछली बार किया था फुल वाइब्रेशन वाला, इस पे देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। वो बहुत सही दोस्तों, वो दोस्तों स्पीकर को जल्दी से पहले साफ कर लेते हैं पूरी तरीके से। एंड यहाँ पर दोस्तों सारे टेस्ट आपने देख लिए, अब लास्ट टेस्ट बता इसका टॉर्च का। तो टॉर्च जल्दी से आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर कि किस टाइप की हमारी टॉर्च है। यहाँ पर जो है पूरी तरीके से फोकस लाइट होने वाली है, फोकस जो है इसका काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है दोस्तों, एक ही जगह पर फोकस करता है क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी लाइट लगी हुई है। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार बंद करके, यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि छोटी सी लाइट है और यहाँ पर एक फोकस मिरर भी लगा रखा है जिससे इसका फोकस जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एंड गाइस बहुत ही ज़्यादा
अच्छी ब्राइटनेस है। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लाइट है, यहाँ पर भी आप इसकी ब्राइटनेस देख सकते हैं। अभी हम इसको बाहर ले जाके देखेंगे कितनी ज़्यादा इसकी ब्राइटनेस होने वाली है और कितना ज़्यादा ये रेंज कवर करती है। सो दोस्तों अब हम इसको बाहर लेके चलते हैं। ओपन एंड गाइज, हम यहाँ पर बाहर आ चुके हैं, पूरी तरीके से रोड खाली है, रात का टाइम है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, वो ये देखिए गाइस कितनी ज़्यादा रेंज जो है ये कवर कर रही है, ये बाहर है। ओ भाई ये देखिए गाइस 50 से 70 मीटर से भी ज़्यादा ये दोस्तों, जहाँ से मैं इसको चला रखी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस है इसकी। एंड गाइस फोकस भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। ये देखिए गाइस नीचे भी चलते हैं थोड़ा बेसमेंट में, यहाँ पर अंधेरा बहुत है। तो ये देखिए पूरी तरीके से काफ़ी ज़्यादा हाई ब्राइटनेस होने वाली है और सड़क के पार लग रही है पूरी तरीके से। अभी ये कैमरे में आपको शायद इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सही है। तो गाइस यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस नज़र आ रही होगी, यहाँ पर भी आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसकी लाइट बंद कर दी है, ब्लू कलर की एक लाइट जलाई हुई है जिससे आपको स्पीकर नॉर्मली दिख जाए। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस है दोस्तों, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर इस स्पीकर के सारे टेस्ट देख लिए, साउंड टेस्ट देख लिया, वाटर टेस्ट देख लिया एंड गाइस बेस टेस्ट देख लिया एंड गाइस उसी के साथ इसका आपने टॉर्च वाला टेस्ट भी देख लिया है कि कितनी दूर तक इसकी जो टॉर्च की रेंज है वो कितनी दूर तक जाती है। बहुत ज़्यादा एरिया गाइस ये कवर कर रही है क्योंकि इसके अंदर फोकस लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं फोकस लाइट है। ये जो मैंने आपको एरिया दिखाया, मैं सड़क पार खड़ा था और गाइस उतना ज़्यादा एरिया ये कवर कर रही थी, 50 से 70 मीटर से भी ज़्यादा ही था वो एरिया, इतना ज़्यादा कवर करती है। तो गाइज इसकी जो टॉर्च है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो गाइज इसके प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा कम होने वाली है, इतने प्राइस में तो सिर्फ आपको मार्केट में एक टॉर्च ही मिलेगी जो इसके अंदर स्पीकर भी लगा के दे रहे हैं एंड गाइज बेस वगैरह इतने ज़्यादा सही होने वाले हैं इतने कम प्राइजेज में। तो गाइज प्राइस की बात करें तो यहाँ पर 650 रुपये का पड़ता है, जी हाँ 650 रुपये का ये स्पीकर होने वाला है सिर्फ। ये भी हमारा 850 रुपये का था लेकिन इस पर भी कम हो गए अभी पैसे, लेकिन गाइज इस स्पीकर की बात करें तो सिर्फ 650 रुपये का ये आपका हो सकता है। So guys, अब बात करते हैं इसको बाय कैसे करना, क्योंकि ये ना ही तो ऑनलाइन अवेलेबल है ना ही अभी कोई ऑफलाइन मार्केट में इतना कुछ खास अवेलेबल है क्योंकि नया मॉडल है तो इसलिए अभी इसकी शॉर्टेज है। So guys, इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं कितना भी आप इसको होलसेल या रिटेल में दोनों में आप बाय कर सकते हैं, होलसेल में थोड़ा और कम पड़ेगा। ये आपको मैंने सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इंस्टाग्राम की मेरी लिंक है, आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको यहीं मिल जाएगा। आप इजीली या तो इसको होलसेल में बाय कर सकते हैं या फिर आप इसको रिटेल में 650 रुपये का बाय कर सकते हैं, होलसेल में और भी कम प्राइस का है दोस्तों, आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं। एंड गाइस ये होम डिलीवरी हम अवेलेबल कराते हैं ऑल ओवर इंडिया, पूरी तरीके से आपको कोरियर के द्वारा डिलीवरी मिलने वाले 3 से 4 दिन में आपके घर तक ये स्पीकर पहुंच जाएगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड गाइस गिव अवे को पूरी तरीके से याद करना, तो लाइक करो गाइस एंड गाइस नीचे कमेंट करो बहुत ही ज्यादा अच्छा सा, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा उसी को ये स्पीकर फ्री में मिलेगा। गाइस होम डिलीवरी फ्री में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस अब बिना टाइम वेस्ट किए खत्म करते हैं वीडियो को, तो गाइस अब मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में, करा देना लाइक पूरे।